बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबी क़ुलूबिना व तबीबी नुफूसिना व शफ़ीई ज़ुनूबिना अफ़ज़लिल अव्वलीना व अशरफ़िल आख़िरीन अल अब्दिल मुअय्यद अर रसूलिल मुसद्दक़ अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिमी मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व अहलि बैति तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल ग़ुरिल मयामीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम वल्लज़ी नफ़्सी बियदिहि ला यनफ़उ अब्दन अमलुहु हत्ता युअर्रफ़ा हक़्क़ना अहलल बैत। व क़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र वल्लज़ी नफ़्सी बियदिहि लौ अमिला अहदुन अमला सबईना नबिया लम यदखुलिल जन्नत हत्ता युहिब्बा हाज़ा अख़ी अलिया। मोमिनीन किराम, अहल बैत के हुकूक़ और हमारी ज़िम्मेदारियों के हवाले से कुछ गुफ्तगू और कुछ हराइज़ आपके ख़िदमत में बयान किए। हमारी ज़िम्मेदारियों में से एक अहम तरीन ज़िम्मेदारी अहल बैत शनासी है, अहल बैत की मारिफत है, अहल बैत की शनाख्त है। कोई भी इंसान उस वक्त तक खुशबख्त और खुशनसीब और कामयाब नहीं हो सकता है जब तक हम अहल बैत की मारिफत हासिल ना करें और मक़ाम अहल बैत, जायगाह अहल बैत, इमामत अहल बैत, विलायत अहल बैत, इस्मत अहल बैत, उनकी जो अज़मत है, मक़ाम है, मंजिलत है, उसको जब तक ना पहचानें उस वक्त तक हम ना दुनिया में कोई खुशबख्त और कामयाब ज़िंदगी हमें मिल सकती है और ना आख़रत में जो खुदा ने मोमिनीन के लिए, मुत्तक़ीन के लिए, सालिहीन के लिए जो अज़ीम जन्नत में मक़ामात और दर्जात मुत्तक़ीन के लिए खुदा ने बनाए हैं, उन दर्जात पर इंसान उस वक्त फायज़ होंगे जब वो मारिफत के साथ दुनिया से चले जाए। सबसे पहले खुदा की मारिफत, फिर रसूल की मारिफत, फिर आइम्मा ताहिरीन की मारिफत के साथ जो अहल मारिफत है, जन्नत उनकी जगह है। और अमल की भी कबूलियत के लिए उस वक्त इंसान के अमल और इबादत दरगाह इलाही में कबूल है जब हम अहल बैत की मारिफत हासिल करें। और मुतअद्दिद रिवायात में है, अभी हमारे पास वक्त नहीं है कि हम उन तमाम रिवायात को आपके ख़िदमत में बयान करूं। नमूने के तौर पर चंद रिवायत आपके ख़िदमत में बयान करता हूं। जब तक कि अहल बैत की मारिफत न हो उस वक्त तक जो है इंसान की कोई भी अमल और इबादत बारगाह इलाही में कबूल नहीं है। जिसके दिल में अहल बैत की इमामत हो, अहल बैत की विलायत हो, अहल बैत की मोहब्बत हो, उस शख्स की इबादत जो है बारगाह इलाही में कबूल है और वो इबादत जो है लायक जज़ा है। लिहाजा जब तक अहल बैत की मारिफत न हो और उनकी मोहब्बत, उनकी विलायत दिल में न हो, वो इबादत बारगाह इलाही में काबिल कबूल नहीं है। इसी वजह से सरवर कायनात ने इरशाद फरमाया लौ अमिला अहदुन अमला सबईना नबिया लम यदखुलिल जन्ना हत्ता युहिब्बा हाज़ा अख़ी अलिया। पैगम्बर ने कसम खा के फरमाया, कसम है उस ज़ात हक़ का जिसकी कब्ज़े क़ुदरत में मेरी जान है, सरवर कायनात की जान जिसके कब्ज़े क़ुदरत में है, उस ज़ात की कसम किसी भी इंसान की इबादत कारगाह इलाही में काबिल कबूल नहीं है अगरचि वो 70 नबियों की इबादत करे। फरमाया अल्लाह अमिला अहदुन अमला सबईन नबिया, कोई एक इंसान इस कदर इबादत गुजार है 70 नबियों की इबादत उसने अंजाम दिया है। इब्राहीम की इबादत, मूसा की इबादत, हज़रत ईसा की इबादत और दीगर उलुल अज़्म नबियों की इबादत, यानी 70 नबियों की इबादत और अमल को उसने अंजाम दिया है। लेकिन उसकी दिल में अगर अमीरुल मोमिनीन की विलायत नहीं है, अली इब्न अबी तालिब की मारिफत नहीं है, अहले बैत की मारिफत के बग़ैर अगर उसने इबादत किया है, लम यदखुल जन्नत, वो हरगिज़ जन्नत में जाए दाखिल नहीं हो सकता है। उसकी इबादत जो है वो बारगाह इलाही में काबिल कबूल नहीं है। इसी तरीक़े से एक और रिवायत में है वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही ला यनफ़उ अब्दुन अमलहु हत्ता यअरिफ़ हक़्क़न अहलल बैत, किसी भी इंसान को अमल फ़ायदा नहीं देता है, उसकी इबादत उसको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाती है, इबादत उसे जन्नत में नहीं ले जा सकती है जब तक कि उसकी इबादत में मारिफत ना हो। वो इबादत लायक कबूल है, वो इबादत लायक जज़ा है जिस इबादत में मारिफत हो और अहले बैत को पहचान के अहले बैत की मारिफत के साथ जो इबादत की जाए वो इबादत लायक जज़ा है, वो लायक जन्नत है, वो काबिल कबूल दरगाह हक़ है। लिहाजा दुनिया की कामयाबी के लिए, इबादत की कबूलियत के लिए, खुदा के रज़ा और खुशनुदी के हुसूल के लिए अहले बैत की मारिफत असासी और बुनियादी ज़रूरी चीज़ है। लिहाजा हमारी ज़िम्मेदारियों में से एक अहम तरीन ज़िम्मेदारी यह है कि हम अहले बैत की मारिफत हासिल करें और जितना मुमकिन हो, ये तो मुमकिन नहीं कि कमा हुआ हक़ अहले बैत को पहचाने, जिस तरह खुदा को कमा हुआ हक़ पहचानना जो है वो मुमकिन नहीं है। लिहाजा कमा हुआ हक़ पहचानना, उनकी अज़मत को, उनकी मकाम मंजिलत को, कमा हक़ दर्क करना और वाकई मारिफत हासिल करनी, ये हमारी बस की बात नहीं है। लेकिन इंसान अपने अपने तवानाई के मुताबिक, अपनी ताकत के मुताबिक उन राहों को तलाश करे जिनके ज़रिए से हमें आरिफत की मारिफत जो है वो हासिल हो सकती है। अब आइए, आज जो है वो अहले बैत को आया ये बताना है, खुदा ने अहले बैत की मारिफी कराया है हमें, अहले बैत के मकाम, अहले बैत की मंजिलत, अहले बैत की शनाख्त हमें कराई गई है, या पैगम्बर ने अपनी ज़िंदगी में अहले बैत का तारुफ़ किया है, अहले बैत की इमामत से, विलायत से, मोहब्बत से और उनकी अज़मत और फजीलत से क्या हमें आगाह किया है। ये रसूल की एक असासी और बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि वो हमें अहले बैत का तारुफ़ कराएँ, अहले बैत की शनाख्त कराएँ, अहले बैत की इमामत से और अज़मत से हमें आगाह कराएँ। एक असासी तरीन काम जो सरवर कायनात ने अपनी पूरी ज़िंदगी में अंजाम दी है वो अहले बैत का तारुफ़ है, अहले बैत की शनाख्त है, अहले बैत की मकाम और मंजिलत को जो है वो पहचानवाना है। लिहाजा क़ुरान पाक में भी मुतअद्दिद आयात में जायगाह अहले बैत, मकाम अहले बैत, इमामत अहले बैत, विलायत अहले बैत और अज़मत अहले बैत को बयान किया गया है। मुतअद्दिद आयात, न तन्हा आयात में बल्कि बहुत सारे सूरे हैं जो अहले बैत की शान में उतरी है और इन सूरों में अहले बैत की मकाम को, मंजिलत को, उनकी अज़मत को, उनकी इमामत को, उनकी विलायत को बयान किया गया है। जैसे सूरह दहर है और इसी तरीक़े से सूरह मुबारक इन्ना अंज़लना है और सूरह कौसर है। मुतअद्दिद सूरे हैं जो अहले बैत की अज़मत को बयान कर, अहले बैत की शान में, अहले बैत की विलायत और इमामत को बयान करते हुए ये सूरह बारगाह इलाही से नाजिल हुए हैं। इसी तरीक़े से मुतअद्दिद आयात हैं, आये ततहीर है, आये मुबाहला है, आये तकमील है और इसी तरीक़े से आये विलायत है, आये मोहब्बत है सूरह मरक़ शूरा में। इन तमाम आयात में परवरदिगार आलम ने पूरी कायनात के मुसलमानों को, मोमिनीन को और तमाम इंसानों को अहले बैत के तारुफ़ कराया है, अहले बैत की मारिफी कराया है। शान अहले बैत क़ुरान पाक ने जा बजा मकाम अहले बैत और अज़मत अहले बैत से हमें आगाह किया है। जिस तरीक़े से हदीस किसा में भी परवरदिगार आलम ने मकाम अहले बैत और मंजिलत अहले बैत से हमें आगाह किया है और अहले बैत की जो अज़मत है, फजीलत है, जायगा है, वो हमें जो है वो बयान किया है। सब मोमिनीन इस हदीस किसा की जो है वो तिलावत करते हैं और तिलावत करना भी चाहिए। इसकी बड़ी जो है बहुत ज़्यादा बरक़ात हैं और बहुत ज़्यादा इसके आसार हैं, फ़वाइद हैं। और इसी हदीस किसा में ही मौला कायनात ने जब पैगम्बर से सवाल किया, या रसूल अल्लाह अख़बिरना मिनल फ़ज़ल इंद अल्लाह, कि इस हदीस किसा का जो है क्या फ़जीलत है, तो पैगम्बर ने फरमाया वल्लज़ी बअसनी बिलहक़ नबिय्या वस्तफ़ानी बिर्रिसालति नजिय्या मा ज़ुकिरा ख़बरुना हाज़ा फ़ी महफ़िल मिन महाफ़िल अहलिल अर्ज़ वफ़ीहि जम्उ मिन शियातिना व मुहिब्बिना इल्ला व नज़लत अलैहिमुर रहमा व हफ़्फ़त बिहिमुल मलाइका के पैगम्बर ने फरमाया, कोई भी रोए ज़मीन पर इस हदीस किस्सा को ज़िक्र करेगा वहाँ पर फ़रिश्ते, रहमत के फ़रिश्ते उतरेंगे, उनकी सारी हाजात जो है परवरदिगार आलम बरावरदा करेंगे, उनकी बीमारियों को शिफा होगी और अल्लाह ताला उनके गुनाहों को बख्श देंगे। बेशुमार जो है पैगम्बर ने हदीस किस्सा पढ़ने की और इसकी विर्द करने की, तिलावत करने की, उसके आसार और फ़वाद को बयान किया है। तो हदीस किस्सा में जब जिब्रील अमीन ने बारगाह इलाही में यह सवाल किया, या रब्बी वमन तहतल किस्सा, परवरदिगारा इस चादर ततहीर के नीचे कौन सी हस्तियां हैं, जिब्रील अमीन तारुफ चाहता है, मारिफत कराना चाहता है कि वो अहले बैत की जो है वो परवरदिगार आलम मारिफत कराएँ, तारुफ कराएँ, उनकी शनाख्त जो है वो कराएँ। हकीकत में जिब्रील अमीन तो इस घर के खादिम है, हमेशा आना जाना है और अहले बैत की मंजिलत से, मकाम से आशना है। जिब्रील ये चाहता है कि परवरदिगार आलम के ज़रिए से, लिसान रबूबी के ज़रिए से, बयान परवरदिगार के ज़रिए से पूरी बशरियत के लिए अहले बैत का तारुफ़ हो जाए और अहले बैत की मुआरिफ़ी हो जाए कि ये कौन सी हस्तियाँ हैं, इनकी मकाम क्या, मंजिलत क्या है, वो खुदा बयान करे, ताकि आने वाली बशरियत के लिए खुदा का बयान मौजूद हो कि अहले बैत का मकाम क्या है, मंजिलत क्या है। वो ज़बान इलाही से अहले बैत यानी जिब्रील आमीन लोगों के लिए अहले बैत का तारुफ़ जो वो कराना चाहते हैं। लिहाजा जिब्रील आमीन ने बारगाह इलाही से ये सवाल कि या रब्बी वमन तहतल किसा, ए मेरे परवरदिगार इस चादर ततहीर के नीचे कौन सी हस्तियाँ हैं। परवरदिगार आलम अहले बैत की मुआरिफ़ी करते हुए, उनकी शनाख्त कराते हुए, उनकी मंजिलत और मकाम को बयान करते हुए फरमाया, फ़क़ाल अज़्ज़ व जल हम अहले बैत नबुव्वा व मअदिन रिसाला हम फ़ातिमतु व अबूहा व बअलुहा व बनूहा। चूँकि इन अल्फाज की तशरीह और तफसील हम बयान करना नहीं मकसूद है, सिर्फ तारुफ़ कराना है मुख्तसर जो है ना वो तर्जुमे के साथ। परवरदिगार आलम ने फरमाया हम अहले बैत नबुव्वा, ये जो हस्तियाँ हैं वो अहले बैत नबुव्वा है, नबुव्वत के घराने के अफराद हैं। यानी ये वो हस्तियाँ हैं जो अहले बैत नबुव्वत है, उन्हीं के ज़रिए से नबुव्वत का पैगाम फैलाना है, इन्हीं के ज़रिए से नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ है, इन्हीं के ज़रिए से शरीयत का तहफ़्फ़ुज़ है। ये अहले बैत नबुव्वत है। व मअदिन रिसाला, और रिसालत के मादन है, यही जो है मादन रिसालत और मादन नबुवत है। फिर फरमाया ये फ़ातिमा हैं इस चादर ततहीर के नीचे, और उनके बाप हैं, उनके शौहर है, उनके बेटे हैं। मज़ीद परवरदिगार आलम ने अहले बैत के तारुफ़ करते हुए फरमाया व इज़्ज़ती व जलाली इन्नी मा खलक़्तु समाअ मबनीयतन वला अर्ज़ मदखियतन वला क़मर मुनीरा वला शम्स मुज़ीअतन वला फ़लकन यदूर वला बहरन यजरी इल्ला लिअजलिकुम व महब्बतिकुम। अगर हमारी किताबों में, रिवायत की किताबों में, तारीख़ की किताबों में, हदीस की किताबों में अहले बैत के तारुफ़ के लिए इस हदीस के अलावा, हदीस किस्सा के अलावा और कुछ भी ना हो, यही काफ़ी है। जायगाह अहले बैत पहचानने के लिए, मकाम अहले बैत के तारुफ़ के लिए यही जो बयान रबूबी है, परवरदिगार आलम ने अपने कलाम से अहले बैत के मकाम को बयान किया है, यही काफ़ी है। वहाले कि हमारे पास हज़ारों रिवायात हैं, हज़ारों आयात हैं जिसमें अहले बैत के मकाम को बयान किया गया है, उनकी मारिफ़ी जो है किया गया है, उनकी इमामत, उनकी विलायत, उनकी मोहब्बत और अहले बैत की इमामत को कबूल करना, अहले बैत की विलायत को कबूल करना, उनकी मोहब्बत के आसार। हज़ारों अहादीस है जिसमें अहले बैत के तारुफ़ कराया गया है। लिहाजा परवरदिगार आलम ने अहले बैत के तारुफ़ कराते हुए फरमाया ख़ुलासे कलाम यह है कि मैंने कायनात में कोई चीज़ नहीं बनाई, अगर कायनात में किसी चीज़ का वजूद है तो वह अहले बैत के खातिर है। पूरी जहाँ खल्क हुई है, पूरी कायनात बनी है इन्हीं हस्तियों के तुफैल। अगर इन हस्तियों को अगर मैंने बनाना मकसूद ना होता, ये हस्तियाँ अगर निगाह रबूबी में ना होती, तो दुनिया में कोई चीज़ मैं ना बनाता, ना आसमान का खीमा लगाता, ना ज़मीन का फर्श बिछाता, ना दरियाओं में ये रवानी पैदा करता, ना किश्तियाँ चलती और ना सितारे होते, ना चाँद, ना कमर, कोई चीज़ दुनिया में ना होती अगर अहले बैत को दुनिया में आना ना होता। लिहाजा परवरदिगार आलम ने फरमाया कि मैंने आसमान को बनाया है, मैंने ज़मीन को बनाया है, मैंने चाँद को बनाया है, मैंने सितारों को बनाया है, मैंने दरियाओं को बनाया है और मैंने दरियाओं में इन पानियों को रवानी दिया है। ये सारे के सारे काम लिअजलिकुम व महब्बतिकुम, अहले बैत के खातिर है। ये सारा जो निज़ाम है वह अहले बैत के खातिर मैंने बनाया है, इनकी मोहब्बत के खातिर। लिहाजा अहल बैत वो हस्तियाँ हैं जो मकसूद कायनात है, इन्हीं के खातिर जो है ना वो दुनिया बनी है, इन्हीं के खातिर दुनिया चल रही है और इन्हीं के खातिर जो है ना वो दुनिया ने बाकी रहना है। और यही वजह है कि परवरदिगार आलम ने अपने हबीब से खिताब करते हुए फरमाया लौलाक लमा खलक़्तुल अफ़लाक, अगर आप मकसूद ना होते तो मैं अफलाक को खलक ना करता। और इसी तरीके से सरवर कायनात ख़त्मी मरतबत का फरमान है लौलल हुज्जा लसाखतिल अर्ज़ बिअहलिहा, अगर ज़मीन में हुज्जत इलाही ना हो, ज़माने के मासूम ना हो, हुज्जत इलाही अगर ना हो तो पूरी कायनात नाबूद हो जाएगी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। जब तक हुज्जत है ज़मीन बाकी रहेगी, कायनात बाकी रहेगी। और कायनात का बाकी रहना इस बात की दलील है हुज्जत हमारी दरमियान में मौजूद है जिनके लिए पूरी कायनात जो वो बनाई गई है। लिहाजा परवरदिगार आलम ने अहले बैत का तारुफ किया और ये बताया कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी है, कायनात अगर बनी है, ये सब के सब अहले बैत के खातिर है। मज़ीद एक लफ्ज़ फरमाया ले अजलिकुम व महब्बतिकुम, इन्हीं की मोहब्बत के खातिर कि लोग आएँ, इनसे मोहब्बत करें, इनकी मारिफत हासिल करें और इनकी मारिफत और इनकी इमामत की मारिफत हासिल करके इनकी मोहब्बत को अपने दिल में बिठाएं, इसलिए मैंने दुनिया को जो है वो खल्क़ किया है। हदीस किस्सा में सरवर कायनात ने भी अहले बैत का तारुफ करते हुए फरमाया अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहलु बैती व खासती व हाम्मती लहमुहुम लहमी दमुहुम दमी युलिमुनी मा युलिमुहुम यहज़ुनुनी मा यहज़ुनुहुम अना हरबुन लिमन हारबहुम। पैगम्बर ने अहले बैत के खुसूसी तारुफ करते हुए उनकी मकाम, उनकी मंजिलत और उनकी मोहब्बत और उनकी इमामत, उनकी विलायत और उनकी जायगाह को बयान करते हुए पैगम्बर ने फरमाया अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहलु बैती, मेरे परवरदिगार ये जो चादर ततहीर में जो हस्तियाँ मौजूद है ये मेरे अहले बैत हैं, ये अहले बैत का घराना है। व खासती व हामती, और यही मेरे खुसूसी अफराद हैं। कल दुनिया में आने वाले लोग कहें कि हम भी अहले बैत में दाखिल है, नहीं हो सकता है। पैगम्बर ने फरमाया यही लोग हैं हम अहले बैत। फिर फरमाया व हामती, ये मेरे खुसूसी और मेरे करीबी अफराद हैं। लहमुहुम लहमी दमुहुम दमी, इनका खून मेरा खून है, इनका गोश्त मेरा गोश्त है। युलिमुनी मा युलिमुहुम, जिन्होंने इनको महजून किया, गमगीन किया, उसने मुझे महजून किया। और जिन्होंने इनको तकलीफ़ पहुँचाया तो उन्हें मुझे तकलीफ़ पहुँचाया। अना हरबुन लिमन हारबहुम, और जिसने इनके साथ जंग की मुझ रसूलुल्लाह के साथ जो है वो जंग किया है। सिलमुन लिमन सालमहुम, इनकी जंग मेरे साथ जंग है और इनकी जो सुलह है वो मेरा सुलह है। व अदुव्वुन लिमन आदाहुम, और मैं उन लोगों को दुश्मन रखता हूँ जो अहले बैत से दुश्मनी करे। अदुव्व अहले बैत, वो सिर्फ अदुव्व अहले बैत नहीं, वो अदुव्व रसूलुल्लाह है। सरीह पैगम्बर ने फरमाया अदुव्वुन लिमन आदाहुम, जो अहले बैत से दुश्मनी करता है उसने मुझसे दुश्मनी की है, जो अहले बैत से मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत किया है। लिहाजा अहले बैत का दोस्त पैगम्बर का दोस्त है, अहले बैत का दुश्मन पैगम्बर का दुश्मन है। अदुव्वुन लिमन आदाहुम मुहिब्बुन लिमन अहब्बहुम इन्नहुम मिन्नी व अना मिन्हुम, और ये वो हस्तियाँ हैं जो मुझसे हैं, मैं इनमें से हूँ। उसके बाद फिर अहले बैत की शान में दुआ की और उनके हक़ में बारगाह इलाही में दुआ की। अल्लाहुम्मा फज्अल सलवातिका व बरकातिका व रहमतका गुफ़रानका व रिज़वानक अलैया व अलैहिम व अज़हिब अन्हुम रिस्सा व तहिरहुम ततहीरा। परवरदिगार फज्अल सलवातिक, परवरदिगार अपनी दुरूद व सलाम को इन पर करार दे। व बरकातिक, और अपनी रहमतों को, बरकतों को इनके लिए करार दे। व गुफ़रानक, अपनी रहमत और मग़फ़िरत को इनके लिए करार दे। व रिज़वानक, खुदाए अपनी रज़ा और खुशनुदी इनके लिए करार दे। उसके बाद फरमाया मेरे ऊपर, मेरे अहले बैत पर अपनी रहमतें, अपनी बरकतें, अपनी रज़ा नाजिल फरमा। व अज़हिब अन्हुम रिज़्ज़ा व तहिरहुम ततहीरा, खुदाया इनसे रिज़ और पलीदगी को पाक कर और दूर कर, और उनको इस तरीक़े से पाक कर जिस तरह से पाक करने का हक़ है। तो हदीस किस्सा में जिस तरीक़े से परवरदिगार आलम ने अहले बैत का तारुफ़ कराया है, अहले बैत की मकाम और मंजिलत और उनकी अज़मत को बयान किया है। इसी तरीक़े से सरवर कायनात ने भी मकाम अहले बैत, मंजिलत अहले बैत, अज़मत अहले बैत जो है वो बयान किया है। और ख़ास तौर पर इस हदीस किस्सा में जो पैगम्बर के जुमले हैं उनमें से चंद नुकात जो है वो काबिल तवज्जो है। अहले बैत पैगम्बर से जुदा नहीं है। पैगम्बर ने फरमाया इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम, अहले बैत वो हस्तियाँ हैं जो मुझसे हैं और मैं इनसे हूँ। यानी पैगम्बर ने इससे ज़्यादा अहले बैत के तारुफ़ में अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये वो हस्तियाँ हैं कि पैगम्बर इनसे हैं और ये पैगम्बर से हैं। वो अफराद जो पैगम्बर के नज़दीक तरीन अफराद है, जिनका और पैगम्बर के दरमियान में किसी किस्म की दूरी नहीं है, वो पैगम्बर की जिस्म का हिस्सा है, पैगम्बर की वजूद का हिस्सा है, पैगम्बर की रिसालत का हिस्सा है, पैगम्बर की नबूवत का हिस्सा है। फरमाया लहमुहुम लहमी दमुहुम दमी, उनका खून मेरा खून है, उनका गोश्त मेरा गोश्त है। यानी पैगम्बर की वजूद के टुकड़े हैं। जैसे जनाब ज़हरा के लिए ख़ास तौर पर फरमाया फ़ातिमा तुबअसअतु मिन्नी, फ़ातिमा रिसालत का टुकड़ा है, नबूवत का टुकड़ा है। इसी तरीक़े से हज़रत इमाम हुसैन भी वजूद रिसालत का टुकड़ा है, इमाम हसन भी पैगम्बर के वजूद का टुकड़ा है। लिहाजा फरमाया इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम, ये मुझसे जुदा नहीं है, ये रिसालत के टुकड़े हैं, नबूवत के टुकड़े हैं, वजूद पैगम्बर की जो है ना वो हिस्से हैं, पैकर रसूलुल्लाह है। मज़ीद एक जुमला जो ख़ास तौर पर जो है ना वो तवज्जो करने की ज़रूरत है, पैगम्बर ने फरमाया इनसे जंग करने वाला वो मुझसे जंग करने वाला है। अगर कोई इनसे जंग कर रहा है, ऐसा नहीं कि अली के साथ जंग किया है, हुसैन के साथ जंग किया है या हसन के साथ जंग किया है, जो हसन के मुकाबले में आया है, पैगम्बर ने फरमाया मेरे मुकाबले में आया। हसन के साथ लड़ने वाला मुझसे लड़ रहा है। हसन का जो दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है, हुसैन का जो दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है। अली के साथ अगर कोई जंग कर रहा है तो वो मुझ रसूलुल्लाह के साथ जंग कर रहा है। देखिए साफ वाज़े लफ्ज़ है, अना हर्बुन लिमन हारबहुम, वो मुझसे जंग कर रहा है जो अली से जंग कर रहा है, जो अहले बैत से जो है ना वो जंग कर रहा है। और साथ साथ फरमाया अदुव्वुन लिमन आदाहुम, अगर अहले बैत से कोई अदावत कर रहा है तो वो अदुव्व अहले बैत नहीं है, वो अदुव्व रसूल है, वो अहले बैत का दुश्मन नहीं, बल्कि पैगम्बर ने फरमाया ये मेरा जो है ना वो दुश्मन है। और अगर अहले बैत का कोई दोस्त है तो वो मेरा दोस्त है, वो मेरा जो है वो चाहने वाला है। तो जिस तरीक़े से अहले बैत का तारुफ़ कराया है और मजमूई तौर पर फिर एक एक फ़र्द की जो है अलग अलग तारुफ़ कराया गया है। हज़रत ज़हरा की मंजिलत को, इस्मत को बयान करते हुए हज़ारों रिवायत हमारे पर मौजूद है। इसी तरीक़े से मौलाए कायनात की इमामत, विलायत और उनकी मकाम और मंजिलत को बयान करते हुए बेशुमार रिवायत जो है 63 साल ज़िंदगी पैगम्बर अहले बैत के तारुफ़ कराते हुए, इमाम हसन की फजीलत बताते हुए, हुसैन की फजीलत बताते हुए, ज़हरा की फजीलत बताते हुए, लोगों को अहले बैत का मकाम समझाते हुए पूरी ज़िंदगी जो है ना वो गुजर गई। लिहाजा इमाम हुसैन के साथ भी खुसूसी तारुफ़ कराया गया है। अब चूँकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, सिर्फ़ एक रिवायत जो है मैं आपकी खिदमत में बयान करता हूँ। इस रिवायत को पैगम्बर के बुज़ुर्ग सहाबी जनाब हुज़ैफ़ा ने जो है वो नक़ल किया है। जनाब हुज़ैफ़ा फरमाते हैं कि एक मरतबा सरवर कायनात के असहाब जमा थे और इमाम हुसैन का बचपना है, तो पैगम्बर ने चाहा कि असहाब के सामने हुसैन का तारुफ़ किया जाए, हुसैन की मारिफ़ी किया जाए, ताकि कोई खुदा नाइस्ता तारीख़ आगे चल के हुसैन के साथ कोई जंग न करे, हुसैन को कोई शहीद न करे। लिहाजा पैगम्बर अपनी ज़िम्मेदारी को निभाने के लिए इमाम हुसैन का तारुफ़ कराने के लिए इमाम हुसैन का हाथ थाम कर और तमाम असहाब के सामने इमाम हुसैन को लेके आए। हुज़ैफ़ा फरमाते हैं कि इमाम हुसैन का बचपना था कि इमाम हुसैन को अपने दामन में उठाया और लोगों के सामने लाया। लाने के बाद फरमाया अय्युहन्नास हाज़ा हुसैन इब्न अली फ़ारिफ़ूहु, ए लोगो पहचानो, हुसैन की मारिफत हासिल करो। हाज़ा हुसैन इब्न अली, ये मेरे दामन में हुसैन है फ़र्जंद अली, इसकी मारिफत हासिल करो, इसको पहचानो। हाज़ा हुसैन इब्न अली फ़ारिफ़ूहु, ए लोगों इसे पहचान लेना, ये हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। हाज़ा हुसैन इब्न अली फ़ारिफ़ूहु। उसके बाद फरमाया हुसैन की मारिफत तुम पर वाजिब है, हुसैन की शनाख्त हासिल करना, हुसैन की मारिफत हासिल करना तुम सब पर लाजिम है। फिर कसम खा के फरमाया फ़वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही इन्नहु फ़िल जन्नह व मुहिब्बीही फ़िल जन्नह, कसम है उस ज़ात हक़ की जिसकी जान में मुझ रसूलुल्लाह की कब्ज़े कुदरत है। हुसैन जन्नतियों का सरदार है, जन्नत के नौजवानों का सरदार है। हुसैन अहले जन्नत है, अहले बहश्त है, और जो हुसैन से मोहब्बत करेगा वो भी अहले बहश्त है, वो भी अहले जन्नत है। अगर तुम्हें बहश्त की तमन्ना है, जन्नत में अगर जाना है तो हुसैन की मारिफत हासिल करो, हुसैन की मोहब्बत अपने दिल में बैठाओ। इन्नहु फिल जन्ना व मुहिब्बी ही फिल जन्ना व मुहिब्बी ही फिल जन्ना। ये रिवायत तमाम शिया सुन्नी किताबों में मौजूद है। पैगम्बर ने हुसैन का तारुफ करते हुए फरमाया हुसैन जन्नत के नौजवानों का सरदार है, अहले जन्नत है, और जो शख्स हुसैन से मोहब्बत करेगा वो भी अहले जन्नत है, वो भी अहले बहश्त है। हुसैन के साथ कल क़यामत में जन्नत में होंगे। फिर फरमाया न तन्हा हुसैन से मोहब्बत करने वाले व मुहिब्बी मुहिब्बी ही, वो लोग जो हुसैन के चाहने वालों को चाहते हैं वो भी अहले जन्नत है। यानी तीन सिलसिले बयान किया। हुसैन जन्नत के नौजवानों का सरदार है, जो हुसैन से मोहब्बत करते हैं वो भी जन्नती है, और जो हुसैन के चाहने वाले हैं उनको अगर कोई चाहते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं तो वो भी जन्नती है। अजीज़ों, पैगम्बर ने अपनी पूरी ज़िंदगी हुसैन के तारुफ करते हुए, हुसैन के मकाम और मंजिलत को बताते हुए दुनिया से चले गए, लेकिन अहले दुनिया ने हुसैन को नहीं पहचाना। अजीज़ों, अगर हुसैन को पहचानते तो ये दर्दनाक वाक़ा, ये वाक़ा करबला पेश ना आता। यही हुसैन है जिसको 3 दिन के भूखे व प्यासे दश्त करबला में शहीद किया गया, इसके सर को नौ के नेज़े पर बुलंद किया गया और इसका बदन को पामाल किया गया। अजीज़ों, जिस तरीक़े से हुसैन का तारुफ पैगम्बर ने किया है, इमाम हुसैन ने अपने असहाब का भी तारुफ किया है और अपने अहले बैत का भी तारुफ किया है। 7 मुहर्रम को पानी बंद हुआ, बच्चे तड़पने लगे और 7 मुहर्रम के बाद से बच्चों की आलातश की सदाएँ बुलंद हुई। अजीज़ो, हुसैन ने अपनी गुर्बत को बताना था, अपनी मजलूमियत को बताना था। अली असगर को सामने ले के आए। अज़ादारो, इमाम हुसैन ने फरमाया इन लम तरहमूनी या कौम फरहमू हाज़ा तिफ़्ल सग़ीर अमा तरौना अन्नहु कैफ़ यतलज़्ज़ा। ए कौम, अगर तुम मुझ पर रहम नहीं करते हो तो इस प्यासे बच्चे पर रहम करो, इसको एक घूंट पानी पिला दो। अमा तरौना अन्नहु कैफ़ यतलज़्ज़ा। ए कौम अश्किया, तुम देखते नहीं ये प्यास की वजह से तड़प रहा है, ये बच्चा 3 दिन से तृष्णा है और इसकी माँ का दूध भी खुश्क हो चुका है। अगर तुम मुझ पर रहम नहीं करते तो दुनिया वाले बच्चों पर रहम करते हैं। फरहमू हाज़ा तिफ़्ल सग़ीर, इस बच्चे पर रहम करो और इसे एक घूंट पानी पिला दो। अज़ादारो, आया हुसैन के बच्चे को पानी पिलाया गया। ये तारीख़ के अल्फाज है। जब फौज आदा में हुसैन ने यह जुमला कहा तो उमर साद ने हुरमुला की तरफ इशारा करके कहा ए हुरमुला, इस बच्चे को सैराब करो। अज़ादारो, पूरी कायनात रो रही है, हुसैन गम में तेरे कायनात रोती है, निकल के रोता है दिन, छुप कर रात रोती है। उन मुसीबतों में से यही मुसीबत है। हुरमुला ने अली असगर के गले का निशाना लिया। इधर हुरमुला तीर को चलाना चाह रहे थे, उसका हाथ थरथरा गए, कांपने लगे। उमर साद कहता है ए हुरमुला, तू बहुत माहिर तीरंदाज है, तेरा हाथ कांप रहा है, तेरा बदन कांप रहा है, क्या बात है? कहने लगा मैं रसूलुल्लाह को देख रहा हूँ, रसूलुल्लाह कह रहे हैं ए हुरमुला, इस बच्चे ने तेरे क्या बिगाड़ा है? अगर तू पानी नहीं पिलाता है तो इस बच्चे के गले पर तीर तो ना चला। अज़ादारो, एक मरतबा इस लाइन ने जब हुरमुला ने अली असगर के गले पर तीर चलाया और गला जब छिद गया, इमाम हुसैन ने देखा बच्चा तड़प रहा है। अली असगर के खून को अपने दस्ते इमामत में लिया, आसमान में फेंकना चाहा। आवाज़ आई हुसैन, इस खून नाहक को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ज़मीन में फेंकना चाहा, ज़मीन से आवाज़ आई हुसैन, ये नाहक खून है, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक मरतबा इस खून को अपने चेहरे अक़दस पे मल के कहा हाकज़ा अलका जद्दे रसूलुल्लाह, मैं इसी तरीके से नाना की बारगाह में जाऊंगा और उम्मत की शिकायत करूंगा, मैं पानी मांग रहा था, इस तरीके से मेरे बच्चे को सैराब किया गया है। अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। खुदाया परवरदिगार, हुसैन की मजलूमियत का वास्ता, हुसैन की गुरबत का वास्ता, खुदाया अली असगर की मजलूमियत का वास्ता, हमें अहले बैत की मारिफत और अहले बैत की मोहब्बत में ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फ़रमा। खुदाया अपनी तवानाई और अपनी विसात के मुताबिक अहले बैत की मारिफत हासिल करने की हमें तौफीक़ इनायत फरमा, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना बिजाहि मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अल्लुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजह। अल्लुम्मा रज़ुक़ना तौफ़ीक़ अत्ताअह व बुअदल मअसियह व सिद्क़न नियह وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين.